एनी केस अगर न्यूक्लियर अटैक अगर कुछ होता है किसी भी रीजन में, या तो अगर दोनों ही दोनों पावर ईरान और इसराइल दोनों ही कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, पर फिर भी वर्ल्ड के ऊपर ये पूरा खतरा बना हुआ है न्यूक्लियर का, और कोई भी न्यूक्लियर अटैक हो, जैसा एयर मार्शल साहब ने भी बताया कि उसका उसका असर, उसके रेडिएशंस का असर तो पूरे रीजन के ऊपर पड़ेगा, और रीजन के ऊपर ही क्यों, उसके काफ़ी दूर दराज इलाकों तक पड़ेगा कोई भी न्यूक्लियर अटैक का असर। तो इसको देखते हुए वर्ल्ड तो चाहेगा, पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी चाहेगी, G7 आज मिल रहा है, UN सिक्योरिटी काउंसिल चाहेगी कि इस हद तक वॉर आगे ना बढ़े, किसी भी तरीके से इस हद तक वॉर आगे ना बढ़े। और दोनों, मेरे ख्याल में ना तो इसराइल चाहेगा ना ईरान चाहेगा कि उसके न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं वो खुल के सामने आए, अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि इसराइल के न्यूक्लियर एसेट्स खुल के आए सामने। तो इसलिए इसकी ये जरूरी है कि ये हो सकती है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो फिर ये क्यों हुआ फिर कमांडर भारद्वाज, आप ही बताइए ये क्यों हुआ कि ईरान ने जो अटैक किए उनके टारगेट पर एक इस तरफ इसराइल के बेस थे एयरबेस, दूसरी तरफ कहा जा रहा है न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर भी थे। देखिए इसराइल के जो अटैक थे, मैं इसको अभी इस हद तक नहीं मानता कि उसने बहुत प्रॉपरली टारगेट करके अटैक किया है, उसने सरप्राइज अटैक किया है, उसकी मंशा थी कि वो उन जगहों पे अटैक किया। हाँ, उसने अपनी कैपेबिलिटी डिस्प्ले करी है, उसने ये बताया है कि मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, पर इस वक्त पर इस अटैक से उसने ये बिल्कुल नहीं चाहा कि वहाँ पर जाके वो उसके डिस्ट्रक्शन उसका मकसद नहीं था, उसका मकसद था एक सिंबल, एक सिग्नल भेजना इसराइल को। और अगर आप ये देखें तो सबसे पहली बार है इसराइल, अभी तक इसराइल प्रॉक्सी से डील करता आ रहा है, नॉन स्टेट एक्टर से डील करता आ रहा है, ये पहली बार है कि इसराइल के ऊपर एक स्टेट का अटैक हुआ है। अब इसराइल का रिएक्शन क्या होगा, अंदर खलबली तो इसराइल के अंदर भी डिफेंस में मची होगी कि एक स्टेट के रिएक्ट, एक स्टेट के अटैक को कैसे डील किया जाए। ठीक है, और क्योंकि मेरे साथ इस वक्त जल थल नभ तीनों सेनाओं के एक्सपर्ट्स और तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी बैठे हुए हैं जो सर्व कर चुके हैं, तो मैं आप लोगों से भी ये जानना चाहूंगा कि ये जो इस वक्त वहां इसराइल की सेना में चल रहा होगा, वहां क्या कुछ चल रहा होगा, क्या प्लानिंग चल रही होगी। लेकिन मैं उस पर आऊं से पहले मैं एक बड़ी खबर दिखाना चाहता हूं, ईरान के हमले पर बड़ा खुलासा हुआ है, दूतावास पर हमले के 14 दिन बाद हमला हुआ, यानी 14 दिन तक का वक्त था क्या इसराइल के पास, और क्या उसने उस वक्त का बखूबी इस्तेमाल किया। सीरिया में हुआ था ईरानी दूतावास पर अटैक, ईरान के परमाणु बम बनाने का दावा है, आटमी मिशन में बाधा ना आए इसलिए देर से हमला किया गया है, यानी उस वक्त जब दमिश्क पर ईरान ने, इसराइल ने अटैक किया तब उनके ईरानी दूतावास पर, तब उस वक्त ईरान का परमाणु बम बनाने के बिल्कुल करीब था, और 14 दिन खून का घूंट इसीलिए पिया ताकि वो बड़ी कामयाबी हासिल कर पाए, ताकि वो परमाणु बम बनाने के बिल्कुल जो करीब थे वो हासिल कर लें। आइए आपको इस बारे में और जानकारी देता हूं। ईरान ने इसराइल पर हमले के लिए 14 दिन का इंतजार किया, 14 दिन मतलब दुश्मन के लिए बहुत होता है तैयारी के लिए। बड़ी खबर, ईरानी दूतावास पर हमले, 14 दिन बाद हमला किया गया। सीरिया में हमले के 14 दिन बाद हमला क्यों हुआ, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या परमाणु मिशन की तैयारी में जुटा हुआ था ईरान? सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमले का बदला इसलिए देर से लिया गया कि परमाणु मिशन की तैयारी में जुटा हुआ था ईरान। IAEA का दावा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। सवाल, क्या परमाणु बम बनाने के इंतजार में था ईरान? ईरान के परमाणु मिशन में बाधा ना आए इसलिए इंतजार करने के बाद हमला किया गया। जनरल मेस्टन, इस थ्योरी को आप बाय करते हैं? और देखिए, मेरे को ये लगता है कि ये जो थ्योरी है इसमें कई पॉसिबल ऑप्शंस हैं, लेकिन ये 14 दिन का जो पॉज था, वक्फा था, मेरे को लगता है इसके कई कारण हैं। देखिए, ये लड़ाई तो 7 अक्टूबर को शुरू हो गई थी, और अगर इसमें ईरान जो 7 अक्टूबर यानी उस दिन जब हमास ने इसराइल पर अटैक किया था, बिल्कुल 7 अक्टूबर 2023, और ये जो अटैक हुआ है ये एट द बिहेस्ट ऑफ ईरान हुआ है। हाँ। तो अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की थी वो तो उनके पास 7 अक्टूबर से पहले का भी समय था, तो ये 14 दिन में तो मेरे को नहीं लगता कि बिल्कुल वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेंगे। 14 दिन का वक्फा का ये कारण है, लेकिन कम पॉसिबिलिटी है, ज्यादा कारण ये है। देखिए, कोई भी ऐसे जब आप स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक करते हैं आपको बहुत हर तरह से उसको एनालाइज किया जाता है। जनरल मास्टर, मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे कि इस वक्त इसराइल की डिफेंस फोर्सेस में क्या चल रहा होगा, क्या चर्निंग चल रही होगी, वहां 48 घंटे का समय दिया गया वॉर कैबिनेट की तरफ से रिस्पॉन्ड करने के लिए, तो वो टेबल पर क्या बातें हो रही होंगी इस वक्त? और देखिए, उस पर साफ ये बात हो रही होगी, जैसे ईरान ने भी अटैक किया होगा, काफी रिपरकशंस आप एनालाइज करते हैं, अमेरिका का रिएक्शन, वर्ल्ड का रिएक्शन, देश में रिएक्शन, बहुत कुछ आप एनालाइज करते हैं, उनकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज। आज इजरायली सेना के अंदर भी ये बातचीत हो रही होगी
कि क्या ये वॉर का विस्तार किया जाए। मेरे को लगता है वो बोलेंगे विस्तार कर सकते हैं, कारण ग्राउंड अटैक जो है, जो ग्राउंड फोर्सेस का है वो हमास के साथ चल रहा है। हो सकता है नॉर्दर्न लेबनान की तरफ भी ग्राउंड फोर्सेस का अटैक वहां से भी आ सकता है, तो उनके पास ग्राउंड फोर्सेस की कमी नहीं है। जहां तक एयरफोर्स का सवाल है, मिसाइल टेक्नोलॉजी का सवाल है, उसमें सुपीरियरिटी देखा जाए तो इसराइल के पास है, उनके पास प्रिसिशन। आपने एयरफोर्स की बात की तो मैं एयर मार्शल राजेश कुमार जी को भी इन्वॉल्व करना चाहूंगा। एयर मार्शल राजेश कुमार सर, ईरान और इसराइल की अगर एयर पावर कंपेयर की जाए तो कौन किस पर भारी दिखता है? देखिए, आप देखें कि इसराइल के पास, ईरान के पास ज़्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, उनके पास बहुत पुराने फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। उनकी जो एयर पावर है वो ड्रोन्स और मिसाइल्स के ऊपर ही तहत है, और उनके पास एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स भी नहीं है, उनकी अपनी एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं। पर जैसे जिस तरह से इसराइल ने इतने सारे इनकमिंग टारगेट्स को न्यूट्रलाइज किया है इस पिछली स्ट्राइक में, और जिस तरह से उनके पास लेयर्ड डिफेंस है, मतलब एरो मिसाइल का, उसके बाद डेविड स्लिंग का, उसके बाद आयरन डोम का, इस टाइप का, इतने बड़े देश जो ईरान है इसराइल से कई गुना बड़ा है, तो इतने बड़े देश को कवर करने के लिए उनके पास है नहीं, और उनके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी नहीं है। तो जो भी स्ट्राइक अगर इसराइल ईरान पे करता है तो डेफिनेटली उनके एयर डिफेंसेस इसराइल से वीकर हैं, और उनके पास फाइटर एयरक्राफ्ट भी नहीं है जवाब देने के लिए। तो सर एक काम करते हैं, क्योंकि आपने जो कहा कि उनके पास फाइटर जेट ज्यादा नहीं लेकिन उनके पास ड्रोन्स और मिसाइलें हैं, तो क्यों ना अपने दर्शकों को जरा ईरान की एयर पावर बता दी जाए, और उसके लिए मुझे अपर स्टूडियो जाना पड़ेगा। वहां जाता हूं मैं, फिर आपको बताता हूं कि ईरान की ताकत किसी से छिपी तो नहीं है। हमारे एक्सपर्ट आपको बखूबी बता रहे हैं कि ईरान की एयर पावर किन चीजों पे खासकर डिपेंड करती है, लेकिन उसके बावजूद वो मिसाइलें क्या हल्के में ली जा सकती हैं जो ईरान के पास है, वो मिसाइल पावर जो ईरान ने हासिल की है पिछले कुछ दिनों में, वो ड्रोन पावर जो उसने हासिल की है, क्या वो इसराइल के लिए बड़ा खतरा है? आइए आपको जरा एक यहां पर हम इसका अंदाजा देते हैं। देखिए, ईरान की मिसाइल ताकत किसी से छिपी नहीं। ईरान के बाद छोटी और मध्यम दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों के साथ साथ 2500 किलोमीटर रेंज तक अटैक करने वाली खतरनाक मिसाइलें ईरान के पास हैं, जो 5 मिनट के अंदर 2500 किलोमीटर दूर दुश्मन के ठिकाने को निशाना बना सकती हैं।